गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई स्वागत है आपका खुद के चैनल पोपलू विशाल में। भाई एक शादी निपटा के आ चुके हैं, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो घर की शादी थी तो उसमें व्लॉग नहीं बना सकते थे। अब भाइयों के साथ जाएंगे शाम को, रात को शायद पार्टी में, तो वहाँ दिखाएंगे फुल बकचोदी। रास्ते में जाते हुए बकचोदी, आते हुए बकचोदी, हर टाइम बकचोदी बकचोदी, तो है ना, दिखाते हैं आपको। सुनिए अभी तो दूध लेने जा रहे हैं, आते ही फटाफट से सबका काम सारा काम कर दें फिर निकलेंगे थोड़ी देर में, है ना। एक नहीं आया अभी तक गोरांग, वो आएगा पूरे बस तैयार हो के आएगा। वो मुंह दिखा रहा है भाई, अभी देखते हैं। खाने के लिए ले लिया इसके पापा के लिए, क्योंकि वो यहीं रहेंगे ना, हम तो पार्टी में चले जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, तो गार्लिक ब्रेड करिए। निब्बा निब्बी लगे हुए हैं, दो निब्बा निब्बी लगे हुए हैं, और क्या खाएंगे इनकी साले, निब्बा निब्बी नहीं खाते हैं के लंड खड़ा होता नहीं यार। जो आज की करेंगे मादर चोद 10 रुपये का पिज्जा खिला के बैठो, कुछ कर रहा फुल सेट 100 रुपये का पिज्जा, 50 अरे 1000 रुपये लग जाते हैं हमारे कुछ करने में। उसके बाद भी मीठा खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी, चाट पापड़ी खाऊंगी, 1500-2000 रुपये लग। और हमारी कल एक लुगाई नाराज हो गई थी, तुमने देखा होगा कल के वो लोग में, देखा होगा तो अभी बता देंगे उसको। अभी देखना गाड़ी में जाएगा उसको, गाड़ी खिल खिल से फिर नाराज करेंगे उसको, फिर सुझाएंगे फिर नाराज करेंगे। आज फिर मुझे बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ कल ड्रामा करा है ना, इसलिए मैं तुमको परेशान करूंगा आज, बताऊँ हाँ कह रहा आज बताऊंगा तुमको मैं गाड़ी में। मेरे को क्यों बताया उसकी गांड पे, कल तुमने मुझे बहुत परेशान करा दोनों ने, वो भी मेरी नहीं सुन, कह रहा कोई है जो तुम्हारे ड्रामे चल रहे थे मेरे को ड्रामा बोल रहा है, कह रहा आज ड्रामे आज तो मैं करूँगा तुम्हारे साथ। मैं चल देखते हैं क्या करता हूँ। मुकेश को मैंने बोला भैया चल रहे हो, कहा शादी पे, कहना क्या यार मैं क्या करूँगा जाके, मैं कहा भैया वो भी है, कह रहा चल बताता हूँ। खराब भाई इसका मुकेश भाई, तो भाई अब घर जा रहे हैं, डोली दिया फिर वो पैक कराने के लिए बोला बोली। ये तो सामान तो ले लिया, एक 14 साल के बच्चे से इतनी बकचोदी पहन दी इसने, बहन जो तुका रहा था क्या कर रहा, वो हो गया पलाना हो गया, हटिए भाई थोड़ा सा है? वो हो गया पलाना हो गया ठिकाना हो गया। 14 साल के बच्चे ने इसको बोला भैया मालिक आप पैसे, हाँ मेरे को कह रहा लोग मालिक समझ के पैसे दे रहा है, लो भैया लो पैसे पिज्जा के, मतलब बेंचो मेरे को भी दे रहा है। वो बंदा कह रहा है ओए भाई इधर दे दे, उधर दे कि नहीं रहा बंदा भाई, जो अभी तो शुक्र है मेरे को नहीं दे रहा, मेरे को दे रहा तो मैं ले भी लेता। मैंने नहीं लिया, मैं अपने फोन में ही लगा रहा, मैं चल साल मेरे को देता मैं लेके बोलता, मैं हाँ भाई किसको दिया तूने, मुझे तो नहीं दिए भाई, इतनी बकचोदी इतनी भैया मैं वहाँ रहता हूँ रेड जाओ वहाँ जाओ। देखो बेंचो 14 साल के बच्चे को फोन में रखा है, और वो देखो भाई पेटीएम चला रहा, कह रहा मैंने 150 रुपये दिए उसे, उसने मेरे को बेंचो हमको बता रहा है जो ऐसे ही बोल रहा है भैया मैंने उसको ये पेमेंट करी उसका ये कट गया उसका 5% कट गया। मैं कहा बैठ के जो मर्जी तेरा चूतिया काट दिया उसने, उसने तेरा 5% किया तेरा 6% काट दिया, इसको 150 रुपये चाहिए तो उसने 500 खर्चवा दिए दुकानदार ने, कि नहीं पहले ये ले फिर बोले फिर ये ले, और वो जब भी नहीं दे रहा था, हाँ तब भी नहीं दे रहा था, क्या ही करे, 2-3 चॉकलेट लिया है इसने खोल लिया है अब तो, और अब अभी भी उसका अभी उसको अपना सामान नहीं मिला, हाँ अभी भी सामान नहीं मिला, बैठा हुआ खड़ा हुआ है बस ऐसे ही। और यही अगर गुराम को होता ना अभी तक गाली दे देखे मार जो होते थे सामान दे, और ये बंदा वहाँ भाई ये ब्लॉक में ले भाई को, ब्लॉक में ब्लॉक में घंटा ले भाई को पेल लूँ मोटे को, तो कह रहा है भैया आपके यहाँ की लड़कियाँ सही है, मैं तेरी उम्र कितने कर रहा 14 साल, मैं गरीब है अब 14 साल में हमको ये नहीं पता होता था एक्चुअल लेड पेंसिल क्या है और क्या है, ये कह रहा लड़कियाँ सही है नटराज पेंसिल इसमें लड़ते रहते थे, नटराज चाहिए पापा नटराज की मंगा के दो पापा ट्राइमैक्स पेन दो, घर वाले बहुत बहन जो कुछ कर ले पहले, और अभी गोरान का है नहीं है इसके घर जा रहे हैं सबसे निकाल, सबसे बढ़िया पहन था जिफी जल एक नंबर का पहन जरा, इन दोनों में से कौन सी शर्ट पहनो, अंदर गया अंकल से पूछ रहे क्या ही करे इस बंदे का यार कुछ नहीं आता इसे, है ना। अब जा रहा हूँ मैं घर, ये मेरे को घर छोड़ने जा रहा है, मैं भी तैयार होऊंगा ये भी तैयार होगा, वो गोरान को फोन कर रहे हैं, है ना भाई। इसने फिर रोल वोल वो मंगाया है राम लड्डू, तो वो लेके आया हूँ अब तैयार हो रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि उनका फोन आने लग गया दोस्तों का, तो जा रहे हैं बस थोड़ी देर में निकलेंगे अब थोड़ी देर में। भाई आ चुके गाड़ी में, भाई सरदार को देख लो फुल जोश में, और मेरे भाई गुराम आंड को क्या हीरो व्हाइट शर्ट पहन जा रहा है, और रूसी हुई है भाई कल से रूसी हुई है, और ये गाने चल चुके हैं और भाई रास्ता देख रहे हैं अभी तो, है ना सब रेडी है भाई, तीनों भाई सीधा ही जाना है, तीनों भाई रेडी है, मोड़ पे मिलते हैं उत्तम नगर। ये सही है ये सही नहीं है सर, सरदार आराम भी है भाई तोड़ दी भाई बाल लगा
मार के आया हूं। मेरे तो ऐसे ही कर रखे हैं। मैं चेन पहन के आ रहा हूं, मम्मी ने चेन छीन ली। भाई मैं मेरे तो स्नैचर है, तुम नहीं पहन के जा। स्नैचर है, स्नैच करके लाया था। भाभी के साले की चेन चोरी हो गई ना, भाई के साले भाई पे। हम तो गाड़ी में बैठे तो फंक्शन में तो जाएगा, वो भी तो फंक्शन में था। तो मेरे तो बंद रहेगा ना, मुझे पता ही नहीं। वैसे थोड़े से दिखेगी ज्यादा। मैं बेल्ट पहन रहा हूँ और ये मेरे से मजे ले रहे हैं इतनी देर से। और ये गोरंग बेल्ट नहीं पहनना ना फिर। अरे व्लॉग में आ रही है लाइट भाई, आ रही है लाइट, आ रही है। तो सामने ध्यान है तो कह रहा है कि भाई चलान से क्यों डर रहा है, चलान तो माफ हो जाएगा ना। मैं बहन चो जब भी भाई सेफ्टी के लिए मैं आगे बैठा हूँ तेरे साथ। तेरे को पता नहीं है क्या किस किसका हाथ है हमारे पे? हाँ वही तो, ताऊ जी का हाथ पता नहीं है तेरे को? बहन चो कौन है दिल्ली में, कौन से बड़ा कौन है बता दो अभी सरदार। कौन है भाई बता दो, ब्लॉग में तो आंटी भी देखती है। तू भी बोझड़ी के फोन ही कराता है यार, जो मर्जी है। मैं नहीं करवाता फोन, मैं तो काट दो चलान लो भाई। इसलिए बेल्ट के लिए मेरे को मना कर रहे हैं, इन्होंने नहीं पहनी ना। मैं तो पहनूं भाई, मेरे को पता है ना कैसे चलाता था। वैसे चला टेढ़ी मेढ़ी, ये कामों को ज्यादा सरकार ने टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए मैं हट, मेरे को हटा दिया स्टीयरिंग से। तू हट, हम चलाएं, हम चलाएंगे ना भाई। ठीक है तुम चला लो। बैंड का लोड़ा आशिकी वालों के ना घूसे घूसे का लेके अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये आशिकी वाले दिख जाते हैं ना, मारने का मन करता है। तो पीछे बिठा लेते हैं, जगह जगह वैसे भी पीछे बहुत है। लड़की बिठा लेते हैं, शादी में जा रहे, देख भी रही है इधर। मैंने अभी देखा है इसने इधर, फिर देखिए यही तो बहन चुका गाड़ी में आना, इसलिए एक तो बहन चुका गाड़ी वक्त और क्या पर्दा लगा दे अभी शीशा को। वो देख रही है, वो देख रही है ब्लॉग को, कुछ भी देखती रहा हमें क्या। पर्दा लगा दे बहन के लोड़े तेरी बहन आना लग गया। वापस आऊंगा मीटर पे लेफ्ट है, मैं तो गया। भाई गाने गाने चल रहे हैं थोड़ा, तो पास पहुंच गए हैं। अब कट ढूंढ रहे हैं, एक थोड़ा सा अभी दूर है बट कट देख रहे हैं। बहन कट नहीं मिले, थोड़ा सा कट ढूंढ रहे, थोड़ा सा ढूंढ रहे, मतलब आधा ढूंढ, जैसे गोरंग का थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं वैसे कट भी थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं। ये बात भी है, क्या ढूंढ रहा है? थोड़ा सा भाई, बहुत कुछ थोड़ा सा। क्या थोड़ा? थोड़ा सा भाई, वो तो मैं मर्जी है गोरंग का। लंड जा रहा है अपने शादी में, आज बहन जो लड़की उठ। तो इतनी गाली देने की क्या बात थी इसमें? जाट और या तो बहन जो भाई भाई उठा लेगा कोई, आज जाटों की लड़की। अबे भाई भीड़ देखो यहाँ उत्तम नगर की, भाई सबको पता ही है कितनी भीड़ होती है। ब्लेड बाजी देख, भाई तीन ही आ गए, तीन इकट्ठे ही आ गए, तीन इकट्ठे ही आ गए। और रूस थी यार भाई, कुछ नहीं कर सकते इस बंदे का। शीशा बहन जो वैसे फटा पड़ा, उसका फट गई इसकी बात। फटेगी जो बंदा बस से टक्कर ले रहा है तो कुछ नहीं कह सकते भाई। और आगे बैठा के ऐसे डराते रहेंगे, ये टेढ़ी मेढ़ी चला चुके भाई। हम पहुंच गए भाई यहाँ पे, ये बंदा भाई ले भाई यही रोकना है, जाटू भाई आ गए हम यहाँ पे। अब देखते हैं क्या करना है, अभी गाड़ी लगाते हैं है ना, फिर बताएंगे आपको। भाई गोरंग वो बंदे को गाली दे रहा, निकाल ही नहीं रहा गाड़ी, क्या करे? पीछे का शीशा को बंद कर, क्या कर रहा है? कितनी गाली बक दी भाई उस बंदे को यार, बंदा ऐसा। अरे वो चूतिया, वो खड़ा हुआ है ना, हिल रहा ना कुछ, क्या है यार? लुल्ली कहाँ पर? चलो भाई अब अंदर मिलते हैं, ठीक है? तैयार व्यार हो ले थोड़ा सा कपड़े, अंदर तो पहुंच गए, तैयार व्यार हो गए, कोट वोट पहन लिया, अब अंदर जा रहे है ना। पता क्या हम अब जाने वाले हैं, वैसे ये आइसक्रीम खा रहा है, ये भी आइसक्रीम खा रहा है। अभी पता क्या हुआ, अबे ये आइसक्रीम और गुलाब जामुन खा रहा है। अभी क्या हुआ, वहाँ पे आइसक्रीम वाले के पास है ना बंदा नहीं था, तो ये बंचो हमने उस कैप्टन को बुला लिया कि भाई इधर आओ, इधर आइसक्रीम वाला नहीं है। मैंने बुलाया, मैंने इसने बुलाया, तो वो कहता है यार भैया ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हो? कह रहा गुस्सा होता ना तो अब यहाँ न तू भी नहीं रहता, ना तेरा कप्तान रहता यहाँ। और हंसने लग गए हम सारे, पर वो भी हंस रहा है, वो भी हंस रहा है। आइसक्रीम लपेट दी भाई, पार्टी से तो बाहर निकल गए, अब घर जा रहे हैं। निकल गए यहाँ से, गाड़ी ये चला रहा
वो पीछे बैठा एक्टिंग गाना और गाने चल रहे हैं, थोड़ा गाने सुन लेते हैं। गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अब यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिया, तो यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। आज का व्लॉग बताने कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना इस वीडियो को। सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगले व्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, चला।